एडमिरल शाहिद सईद साहब, कॉमोडोर सैयद मुस्तफ़ा हसन साहब, डीन, एचओडीज, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स, सबके शुक्रगुजार हैं और अस्सलाम वालेकुम। शौक़ मेरी लय में है, शौक़ मेरी नय में है, नगमाए अल्लाहू मेरे रगो पै में है। डॉक्टर सर इलामा मोहम्मद इकबाल। सबसे पहले तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत दूंगा महमूदुल हसन साहब को, सीनियर लेक्चरर शोबा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, कि वो सादत हासिल करें तलावत कुरान पाक की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب
رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله کلام کتنا پرہیبت اور کتنا پرکشش ہو سکتا ہے اگر دل کی نگاہ روشن ہو چاہے چشم بینا نہ ہو خدایا آرزو میری یہی ہے نور بصیرت عام کر دے محمود الحسن صاحب تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے بہت پرکیف آواز میں حاضرین قومی ترانہ سنتے ہیں عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق کی مستی سے ہے پیکرے گل تابناک عشق ہے صحبائے خام عشق ہے قاس الکرام عشق فقیح حرم عشق امیر جنود عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ کے کلام سے دعائیہ اشعار سنتے ہیں جویریا اور جینٹ کی آواز میں جویریا اور جینٹ دل پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میری چمکنے سے اجالا ہو جائے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈمرل شاہد سعید صاحب فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں بحریہ یونیورسٹی پہلے بھی آ چکا ہوں جب میں پہلی بار آیا تھا تو اس وقت یہ ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا سب سے پہلے تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ علامہ اقبال کے ریفرنس سے تقریب میں آج ہال پوری طرح کیوں بھرا ہوا نہیں ہے
देखें जिंदा कौमें अपने मौसनों को बड़े, अब आप से गुजारिश है कि चंद मिनट खामोशी से बात सुनेंगे। जिंदा कौमें अपने मौसनों को बड़े शायान शान तरीके से याद करती हैं। हमारे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स और हमारे वेल विशर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे के जवाल की एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अल्लामा इकबाल जैसे मौसन को भुला दिया है। लोग कहते हैं अगर कुदरत किसी कौम पर खुश हो तो वहाँ इकबाल जैसे लोग पैदा करती है। इस्लामी तारीख ने बड़े बड़े मुफक्कर और दानश्वर और शायर पैदा किए हैं, लेकिन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा जिस मौसर और जिस पुरशिको और जिस शान से इकबाल ने पेश किया है कोई और नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटियों के फारग तहसील थे, कैम्ब्रिज, हाइडलबर्ग, म्यूनिख। वो मशरक़ व मगरब से बाखबर थे और कदीम और जदीद उलूम और फ़लसफ़ों के शनावर थे। इसीलिए लोगों का इस पर इत्तफाक है कि इस्लाम की 1000 साल तारीख का सबसे बड़ा मुफक्कर और शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तुर्की और ईरान के दानिश्वर कहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए यही सब इतने बड़े फ़ख्र की बात है और वो सारी उम्र इस पर फ़ख्र कर सकते हैं कि इस्लाम के शायर आज़म इकबाल का ताल्लुक इनकी सरजमीन से था। इकबाल इस पूरे सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हैं, वाहिद शख्सियत हैं हु इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल इवन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ईरान में इकबाल को कौमी शायर का दर्जा हासिल है और वो अल्लामा इकबाल को अपने इनकलाब का रूहानी गाइड समझते हैं। ईरान के सबसे ताकतवर लीडर जिन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है अली खामेनाई को अल्लामा इकबाल के हजारों शेर अजबर हैं। उनके सदर पाकिस्तान में आए और 45 मिनट में से 40 मिनट उन्होंने अल्लामा इकबाल पर तकरीर की। सेंट्रल एशिया की 6 रियासतों की आज़ादी की तहरीकों के दौरान लाखों के मजमों को जिन शेरों और नज़मों से गरमाया जाता रहा वो इकबाल की नज़में थीं। अज ख्वाब गरां खेज, गरां खेज, गरां खेज, और इनकलाब इनकलाब इनकलाब। पिछले दिनों ताजिकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि डू यू नो इकबाल, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आस्क ए 5-year बॉय ऑफ ताजिकिस्तान ही वुड रिसाइट मैनी वर्सेज ऑफ इकबाल। उन्होंने कहा, मुझे बताया कि मैं अपने बच्चों को लेकर सियालकोट गया जहाँ इकबाल पैदा हुए थे, एंड आई स्पेंट 3 hours देयर, आई किस्ड दैट पेन विच वॉज यूज बाई हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये अकीदत का आलम। मुस्लिम वर्ल्ड में अगर 2 मुल्कों को तरक्की में मॉडल कंट्रीज के तौर पर पेश किया जाता है तो उनमें एक मलेशिया है और दूसरा तुर्की। मलेशिया के विजनरी लीडर डॉक्टर महातीर ने छोटे से जजीरे को तरक्की से हमकनार किया और वो वेस्ट और मगरब की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे। OIC के एक इजलास में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, पाकिस्तानी डेलीगेशन ने जाके स्टेज पर जाके मुबारकबाद दी और डॉक्टर महातीर ने उन्हें कहा, डू यू नो फ्रॉम होम आई एम इंस्पायर्ड, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर इकबाल, बट यू हैव फॉरगॉटन इकबाल। तुर्की के मर्द आहन तैयब अर्दवान की कोई तकरीर इकबाल के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब वो पाकिस्तान आए तो ही एड्रेस्ड द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ही मेंशन्ड इकबाल 15 times और हर बार उन्हें शायर आजम कहकर खिताब किया। भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं?
आप भी तशरीफ रखें, आपस में बातें देखें मुनासिब नहीं है, आप तशरीफ रखें। और बैरिया यूनिवर्सिटी बड़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, और आप यही देखें कि मैं बहुत सी यूनिवर्सिटियों में गया हूँ और नौजवानों के चाहे आपस में गपशप कर रहे हों इकबाल के नाम पे, वो पूरी तरह मतवज्जो होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हमारे बहुत बड़े मौसम थे। आपसे भी यही तवक्को है, आप चंद मिनट चाहे टीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप सारे ज़रा तशरीफ रखें और बात थोड़ी देर ज़रा गौर से सुनें। Why it is essential to remember Iqbal? Because everything what we have today, चाहे हमारे बड़े बड़े ओहदे हैं, हमारी वजारतें हैं, हमारी हुकूमतें हैं, सब कुछ पाकिस्तान के तुफैल है। And Pakistan is the outcome, Pakistan is the result of Iqbal's dream. It was Iqbal who conceived the idea of a separate country, Pakistan. इसलिए ये इकबाल ही के तुफैल है। कायद आजम ने 1940 में जब ये अहद किया कि हम अब मुसलमानों के हकूक के लिए अलहदा मुल्क लेकर रहेंगे, तो उस अजलास के बाद ही रिमेंबर्ड इकबाल। कायद आजम भी अलामा इकबाल को अपना स्पिरिचुअल गाइड समझते थे। उन्होंने कहा अगर आज इकबाल जिंदा होते तो कितने खुश होते, उन्होंने हमें जो मंजिल दिखाई थी हम उसी पर चल पड़े। फैज अहमद फैज आप जानते हैं बहुत बड़े शायर थे, किसी ने एक मुशायरे के बाद उन्हें कहा जी 20वीं सदी तो फैज की है, उन्होंने कहा नहीं 20वीं सदी भी और उसके बाद आने वाली तमाम सदियां इकबाल ही की। एक बहुत बड़े ब्रोक्रेट गुजरे हैं मुख्तार मसूद, और उनकी एक किताब तो बहुत मशहूर थी आवाज़ दोस्त, आप में से अगर किसी ने पढ़ी है, हैव यू रेड एनी, ज़रा हाथ खड़ा करें, आवाज़ दोस्त। उन्होंने लिखा है कि इकबाल पैगंबरों के शायर और शायरों के पैगंबर थे। तमाम इंटेलेक्चुअल्स इस पर मुत्तफिक हैं कि अगर अजीम का लफ्ज़ किसी शायर के साथ जचता है तो वह सिर्फ अल्लामा इकबाल। और क्या है अल्लामा इकबाल का क्या पैगाम है, ये भी सब कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का कलाम इल्हामी है, ऐसे लगता है कि ऊपर से उतरा है, और उनका पैगाम आफाकी है पूरी दुनिया के लिए, किसी एक खास तबके के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज भी अगर उनका कोई एक शेर कोई एक मिसरा उठाकर पढ़ें तो ताज़ा फूलों और शबनम के कतरों की तरह तरोताज़ा और 100% रेलेवेंट है आज भी। क्या कहा इकबाल ने, सतेज़ाकार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। ये हक और बातिल की कन्फ्रंटेशन को नई नहीं है, ये तो अजल से चल रही है और ता क़यामत जारी रहेगी। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरद अक्ल टेक्नोलॉजी साइंस के पास क्या है, खबर के सिवा कुछ और नहीं, यानी इंफॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या देते हैं इंसानों को, इंफॉर्मेशन ही देते हैं ना। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। ये जो इंसानियत को जो मसाइल दरपेश हैं, ये कुछ साहिब नज़र ही हल कर सकता है, वही गाइड कर सकता है। गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है, अक्ल को चरागे राह ज़रूर कहा कि ये गाइड करता है मगर मंजिल नहीं। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से,
है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, अगर कमज़ोर रहोगे तो मारे जाओगे। ग़ुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तकदीरें, जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और उस कौम को आपके बारे में कहा, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, जिसके इस कौम के जवानों में गैरत हो उन्हें हथियारों की भी ज़रूरत नहीं रहती, और वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। के ये अल्लाह के सामने झुकना हमें बड़ा ग्रां गुजरता है, अगर उसको ही अपना सब कुछ मालिक और खालिक मान लो तो बाकी किसी की मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, बाकी तमाम बादशाहों हुक्मरानों की मोहताजी से बच जाओगे। इकबाल के बेपनाह एहसानात हैं, इकबाल की बेपनाह खिदमात हैं। मगर अफसोस ये है कि ये कौम उसके एहसानात या उसकी खिदमात से अब नाशना हैं, बल्कि नई नस्ल तो बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक बात यह है कि उसके पैगाम और कलाम तो क्या अब उसके नाम तक से नाशना होते जा रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन, आज से 100 जब इकबाल थे 100 साल पहले क्या सूरत हाल थी। आज से 100 साल पहले मुसलमानों की हालत 100 गुना ज्यादा बदतर थी। वो गुलामी, मायूसी, बेयकीनी, खुद फरामोशी के अंधेरों में भटकता हुआ एक हुजूम था जिसके पास ना कोई मंजिल थी ना कोई रहनुमा था। और इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इकबाल ने उनमें गैरत, हमीयत, खुदी और खुद एतमादी के जज्बे से सरशार किया और एक मायूस और मुर्दा और पजमुर्दा हुजूम को एक जिंदा और ताबिंदा कौम में बदल कर रख दिया। इकबाल ने उस एहसास कमतरी के शिकार हजूम को झंझोड़ा, बेदार किया और उन्हें कहा अपना आप पहचानो। इकबाल ने उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाया। इकबाल ने उन्हें कहा जानते हो तुम कौन हो, तारीख के सफात तो खोलो, तुम्हारे असलाफ कौन थे, तुम किन के वारिस हो। तुम्हारे असलाफ और आबाओ अजदाद वो थे कि दोनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, और जलजले जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे, वो थे तुम्हारे आबाओ अजदाद। तुम जो लोगों के दूसरों की तहजीब की नकाली करते फिरते हो, दूसरों के पीछे फिरते हो, ये तुम्हारे शायान शान नहीं है, ये जिल्लत और जवाल तुम्हारी तकदीर नहीं हो सकता। खुदाए लमजल का दस्त कुदरत तू जुबां तू है, यकीन पैदा करेगा गाफिल के मगलूब गुमां तू है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। इकबाल ने नौजवानों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो जानते थे कि नौजवान ही वो तबका हैं जो माशरे में इनकलाब बरपा कर सकता है। इकबाल ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, वो क्या गर्दूं था तू जिसका, गर्दूं का क्या मतलब है, एनीवन फ्रॉम दिस साइड, गर्दूं यहां से कोई खड़े होके बताएं, फ्रॉम दैट साइड
भाई कोई तो बताओ, एनीवन फ्रॉम द फैकल्टी प्लीज। वो क्या कर आसमान, वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड। के वो शाबाश। अब हमने सुने, अब आपको क्लैपिंग हो गई, मगर नाउ यू शुड बी अटेंटिव प्लीज। कि वो क्या तरक्की का आसमान था, अजमतों के आसमान थे, जिन पर तुम चमकते थे सितारों की तरह, मगर अब जिस तरह सितारे गिर के जिल्लत किया था गहराइयों में गिर जाते हैं, अब तुम्हारी वो हालत हो गई है। जब नौजवानों ने ये आवाज, जो बिल्कुल एक अलहदा थी, अनहोनी आवाज थी, इस तरह की पुरशिको आवाज उनके कानों में पहले नहीं पड़ी थी, उन्होंने कान खड़े किए, और जब उन्होंने देखा कि यह किसी नीम खानदा और अनपढ़ मौलवी की आवाज नहीं है, ये तो दुनिया के तमाम उलूम पर दस्तरस रखने वाले, दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, दुनिया के चोटी के जीनियस डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बारट लॉ की आवाज है। तो देन दे बिकेम अटेंटिव, और फिर उनके कानों में इकबाल की एक और पावरफुल आवाज उतरी, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताज सरे दारा। तुम्हारे अबाओ अजदाद वो थे, और तुम एहसास से कमतरी का शिकार हो। इकबाल ने उनके जरबे लगा लगा कर एहसास से कमतरी को तोड़ा, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, उठा नशीशा गराने फरंग के एहसान, साले हिंद से मीना जाम पैदा कर, अपने हिंदुस्तान की अपनी मिट्टी से अपना आप बनाओ, जो भी तामीर करना है अपने आप, किसी से मत मांगो, किसी की गदाई मत करो। और किसी ने अगर तकदीर का रोना रोया कि मुसलमानों की तो तकदीर ही ये है, तो इकबाल ने कहा, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यजदां, तू खुद तकदीर यजदां क्यों नहीं। यह है इकबाल का पैगाम। इतना। और इकबाल ने उन्हें बताया कि तुम दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम हो, खुदा के आखिरी नबी के फॉलोअर्स हो, क्रिएटर का पैगाम अब उसके बाद किसी पे नहीं उतरेगा, इसलिए तुम्हारा खास मकाम है, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और इकबाल ने उन्हें उनका मकाम बताते हुए कहा, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। डोंट इमिटेट अदर्स, डोंट फॉलो अदर्स, यू हैव टू लीड द एंटायर वर्ल्ड, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तुमने दुनिया को लीड करना है। तुम दूसरों के पीछे पीछे फिरते हो, कभी अंग्रेजों को इमिटेट करते हो, कभी हिंदुओं के कल्चर की नक्काली करते हो, ये तुम्हारे शायान शान नहीं है। इकबाल ने उस वक्त उन्हें बताया, उसका नतीजा ये निकला कि एहसास कमतरी की जंजीरें टूटने लगी, बेयकीनी और मायूसी के बादल छटने लगे, हुजूम कौम में बदलने लगा, उम्मीद के गुलिस्तान खिलने लगे, और कौम को मंजिल नजर आने लगी। आप आर यू विद मी, बात पूरी तरह सुन रहे हैं ना? जो ये इकबाल की बात पूरी तरह सुन रहे हैं और वो समझते हैं दिस इज समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, जरा प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू। इकबाल को इस बात का बहुत दुख होता था
कि मुसलमान तालीम से बेगाना हो गए और इल्म से बेजार हो गए। इकबाल समझते थे कि जब तक मुसलमानों ने तालीम और इल्म से अपना रिश्ता मजबूत रखा वो तरक्की के औज कमाल पर थे, वो दुनिया की सुपर पावर रहे। जब उन्होंने इल्म से नाता तोड़ लिया, जब उन्होंने किताब फेंक दी तो वो जिल्लत और जवाल की अथाह गहराइयों में जा गिरे। इकबाल जेन्युइनली ये समझते थे और सही समझते थे कि इल्म मुसलमानों की मीरास है, मगर हम इसका तहफ्फुज़ ना कर सके और यूरोपियन इसको ले उड़े, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरास खलील, खिश्त बुनियाद कलीसा बन गई खाक हिजाज। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा, ले गए तसलीस के फर्जंद, व्हाट डज दिस मीन? तसलीस के फर्जंद, बाल ने कहा कि ले गए तसलीस के फर्जंद मीरास खलील, क्या मतलब है तसलीस के फर्जंद? एनीवन, एनीवन फ्रॉम दिस साइड? कोई उस साइड से? जी, फ्रॉम द फैकल्टी? जी जी, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरा, तसलीस के फर्जंद। हाँ, तसलीस के फर्जंद सन्स ऑफ क्रिश्चियंस। सॉरी कि पूरे हॉल में एक भी, देखें ये आपको इन चीज़ों का कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए। इकबाल ने कहा कि ये जो मीरास खलील, हज़रत इब्राहिम खलील अल्लाह मुसलमानों की जो मीरास थी, हमारा एसेट था इल्म, इसको क्रिश्चियंस ले गए बिकॉज वी कुड नॉट प्रोटेक्ट इट। खिश्त बुनियाद कलीसा बन गई खाक हिजाज, खिश्त का मतलब ईंट। अब हमारी मिट्टी, हरम की मिट्टी, मुसलमानों का इल्म, मुसलमानों के फनून ले गए और उन्होंने इसकी बुनियाद पर रिसर्च और फिर तरक्की के महल खड़े कर लिए। ये हमारी मीरास थी, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इकबाल इस पर बहुत दिल गिरफ्ता होते थे कि हमारे किताबें हमारे अबाउजदाद की लिखी हुई, करतबा की यूनिवर्सिटियों की, अब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में, यूरोप की लाइब्रेरियों में वो भरी पड़ी। इकबाल समझते थे और ये उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान नौजवान रिसर्च के मैदान में उतरें, तो अपना ज्यादा वक्त लेबॉरेटरियों में गुजारें और तहकीक से और इल्म से इतनी कुव्वत हासिल करें कि सितारों पर कमंदें डालें, सितारों के जिगर चाक करें। मगर वो उनका दिल दुखता था कि मुसलमान तो लातअल्लुक हो गए इल्म से, रिसर्च के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। इसलिए इकबाल ने झंझोड़ झंझोड़ कर उनसे पूछा कि किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, मेहरो महो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक। यानी ये जो नाइफ ऑफ रिसर्च हैज बिकम ब्लंट, इट्स नो मोर शार्प, ये ब्लंट हो गया। यानी तुमने रिसर्च के की लेबॉरेटरियां बंद कर दी, उसको ताले लगा दिए, उससे तुम ला ताल्लुक हो गए और जो कौमें उसकी तरफ गईं आज वो दुनिया की चौधरी हैं, आज दे आर लीडिंग द एंटायर वर्ल्ड और तुम उनके कमी और गुलाम बन गए हो इसलिए कि तुमने रिसर्च को छोड़ दिया। इकबाल को अल्लाह ताला ने अपने दौर से 100 साल आगे देखने की बसीरत अता की थी, ये खास सलाहियत है जो इकबाल को अल्लाह ताला ने अता की थी। इकबाल ने 100 साल पहले यह कहा, तरी
दवा ना जनीवा में है ना लंदन में, फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। और सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की नजात, खुदी की परवरिशो लज्जत नमूद में है। उस वक्त यहूदियों का इतना असर रसूख नहीं था। आज आप जानते हैं कि यहूदी दुनिया के तमाम तर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मीडिया हाउसेस को वही कंट्रोल करते हैं, लिहाजा दुनिया की पॉलिसियां बनाने में सबसे ज़्यादा असर रसूख ज्यूज का है, यहूदियों का है। मगर उस वक्त वो बात नहीं थी, मगर ये सिर्फ इकबाल की बसीरत थी जो उस वक्त ही उन्होंने देख लिया। उस वक्त इकबाल ने मुसलमानों की बीमारियों की तशखीस की और उनको आइडेंटिफाई करके बताया कि बाकी ना रही तेरी वो आई ना जमीरी, ए कुश्ता सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी। सुल्तानी, मुल्लाई और पीरी, सुल्तानी मीन्स आमरियत, डिक्टेटरशिप, वेदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप और सिविलियन डिक्टेटरशिप, बादशाहत, और मुल्लाई, जाहिल मुल्ला और बेअमल पीर, इनकी जंजीरों में मुसलमान जकड़े हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं, आज भी उम्मत मुसलमान को यही बीमारियां लाहक हैं और इसकी वजह से ही हम जवाल का शिकार हैं। इकबाल पर कुछ लोग सूफी होने का लेबल लगाते हैं, अपने मफादात के लिए। और एक यहाँ दौर ऐसा भी गुजरा कि उनको सूफी करार देकर और उनके वो शार, वो पैगाम जिसमें वो अमल, हरकत और जद्दोजहद का पैगाम देते हैं, उनसे सरफ़ नज़र किया गया, उन्हें इग्नोर किया गया और ये बना के पेश किया गया जो तो सूफ़ी थे, हालांकि वो बे इल्म मुल्ला से, जाहिल मुल्ला से भी बेजार थे और बेअमल सूफ़ी से भी बदज़न थे। वो समझते थे हमारा खानकाह निज़ाम बेअमली की तरगीब देता है। वो इन दोनों से बदज़न थे क्योंकि उन्होंने कहा कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, वो बस हाल वाली करता रहता है, और मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो तकरीरों का शौकीन है। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। इकबाल तो किरदार की बात करते हैं और इकबाल के यहाँ जिद्दोजहद है, अमल है, हरकत है। इकबाल का पैगाम एक मिसरे में अगर पूछना है तो यह है कि निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, ये इकबाल का पैगाम। इकबाल के यहाँ दो इस्तलाहें बहुत मिलती हैं, इसलिए उन दोनों के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तलबा और तालबात को इल्म होना चाहिए कि इकबाल ने शाहीन का इस्तियारा बड़ा इस्तेमाल किया और इकबाल के यहाँ खुदी का लफ्ज़ बहुत है। क्या मतलब है इनका खुदी से मुराद, ये आप ज़रा सब सुने। खुदी से मुराद तकब्बुर नहीं है, खुदी डजंट मीन एरोगेंस, एरोगेंस नहीं है इससे मुराद। खुदी से मुराद खुदशनासी, खुदी से मुराद सेल्फ रिलायंस, खुदी से मुराद है खुद एतमादी और गैरत। और शाहीन का इस्तेआरा बार बार इकबाल ने क्यों इस्तेमाल किया, शाहीन में कौन सी खूबी, ऐसी खूबियां हैं, क्योंकि इकबाल अपने नौजवानों में, आप में शाहीन की खूबियां देखने के ख्वाहिशमंद थे। शाहीन गैरतमंद है, शाहीन बुलंद परवाज है, शाहीन में एक अना है, वो किसी और जानवर का मारा हुआ माल नहीं खाता, और शाहीन में दरवेशी है। सो इकबाल अपने नौजवानों में भी दरवेशी और बुलंद परवाजी देखना चाहते थे। वो चाहते थे मेरे नौजवानों के टारगेट्स बहुत हाई हों, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ये हुक्मरानों के पीछे पीछे मत फिरो।
ये कशकोल लेके बड़ी ताकतों के पीछे पीछे मत फिरो, सेल्फ रिलायंस पैदा करो, खुद एतमादी पैदा करो, अपने सोर्सेज अपने वसाइल खुद पैदा करो। इकबाल ने बार बार झंझोड़ कर नौजवानों से कहा और मुसलमानों से कहा कि तुम अपने इस्लाफ के औसाफ से क्यों महरूम हो गए हो। इकबाल समझते थे कि आज जो जिस जवाल और जिस पसपाई और जिस जिल्लत का मुसलमान शिकार हैं, ये इसलिए है कि उनमें वो औसाफ नहीं रहे जो उनके आबा अजदाद में थे। वो समझते थे कि तुम्हारे आबा अजदाद तो वो थे कि जिनके सजदों से ज़मीन कांपती थी, जिनकी अजानों से पहाड़ लरसते थे, मगर अब तुम्हारी तुम कहती हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए कि तुम्हारी नमाजों में वो खलूस नहीं है, वो नेकनीति नहीं है, वो जज्बे नहीं है। इसलिए इकबाल ने इकबाल फलस्तीन भी गए, कर्तबा भी गए और घूम फिर के आए तो इकबाल ने कहा, सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अजा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमाब, जिससे पहाड़ लरसते थे और वो सजदा रूहे जमीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों महराब। वो सजदे वो मुसलमानों के जिससे जमीन कांप उठती थी, आज वो मुझे कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि आप में वो जज्बे और वो खलूस नहीं रहे। और इकबाल बार बार इसकी तलकीन करते रहे और इसकी ख्वाहिश करते रहे, नौजवानों से कहते रहे, ला कहीं से ढूंढ कर इस्लाफ के कल्बो जिगर, मुल्क व मिल्लत है फकत हिफ्ज़े हरम का एक समर, वही अपने इस्लाफ के कल्बो जिगर कहीं से ढूंढ कर लाओ, अपने अंदर वही औसाफ पैदा करो। एडमिरल साहब के पास बैठ के हम बात कर रहे थे कि आज मुसलमानों की अजली और अब्दी दुश्मनों ने कितनी स्मार्ट चालें चली हैं कि वो मुसलमानों ही के हाथों मुसलमानों को मरवा रहे हैं, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां अमन हो, जहां चैन हो। और मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, आज से 100 साल पहले भी जिस एहसास कमतरी का शिकार थे, आज भी उसी तरह हैं। इकबाल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के गढ़ में रहे, मगर वो यूरोप की इल्म दोस्ती के कदरदान जरूर थे, मगर उस तहजीब की कबाहतों को इकबाल ने बड़े पावरफुल आवाज के साथ एक्सपोज किया, उससे वो हरगिज मुतासर नहीं हुए। इकबाल ने उस वक्त भी कहा था कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब मगरब की, ये सन्नाई मगर झूठे निगों की रेजाकारी। और वह हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरब को हवस के पंजाए खूनी में तेगे कारजारी है। दरअसल ये इनकी असल डिजाइंस में बेपना हवस है, उसमें एक्सपेंशनिज्म है। और आज आप देख लें, कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जहां अमन हो, जहां स्टेबिलिटी हो, और ये किसके दिए हुए तोहफे हैं, इसी यूरोप के, मगर इतना स्मार्टली चलते हैं कि वो मुसलमानों ही के मुसलमानों से मरवा रहे हैं, उन्हीं को उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं। और ये उनके असल डिजाइन से सिर्फ इकबाल ही पर्दा चाक कर सकते थे, जो उन्होंने बड़ा फोर्सफुली किया। हम में से कोई देखें, कोई एक हफ्ता रह आए तो उससे सारी उम्र मरूब हो जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। वैसे भी वो आज से 100 साल पहले हमारे हुक्मरान थे, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, जो दुनिया की ताकतवर और फाते दुनिया की ताकतवर और फाते अकवाम कमज़ोर और मफतू कौम पर हावी हो जाती है, उनको हड़प कर जाती है। यही हाल सब कॉन्टिनेंट में था, और
लोग उनकी तकलीद कर रहे थे, नकाली कर रहे थे, उनके पीछे उनकी मुआशरत, उनकी कल्चर को अपना रहे थे, मगर इकबाल उनके गढ़ में रहे, कई साल रहे, इसके बावजूद वो उनसे मरूब नहीं हुए। और उसकी वजह इकबाल ने खुद बताई कि उसकी चकाचौंध मुझे मरूब ना कर सकी, और उसकी वजह इकबाल ने बताई कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग के, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। ये वजह थी कि I was not impressed. I was not enamored by the glitters of Western civilization, because my sources of inspiration and for me the guidance of ultimate source of guidance and inspiration is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqbal sabse zyada is baat ke khwahishmand the ki musalmanon ki aapas mein unity ho, ittihad ho. ये जो आपस में नस्ल के नाम पे, रंग के नाम पे, फिरके के नाम पे आपस में लड़ाइयाँ हैं, इस इकबाल इस पर बहुत दुखी होते थे, बड़े दिल गिरफ्ता होते थे। इसलिए इकबाल ने, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स वाज वेरी क्लोज टू इकबाल्स हार्ट, बहुत इस पर जोर दिया। गुबार आलूदाए रंगो नसब हैं बालों पर तेरे, तो ऐ मुर्गे हरम उड़ने से पहले परफिशां हो जा, और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इकबाल शायर इस्लाम भी थे और शायर इंसानियत भी थे। इकबाल ने कहा, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को, यानी इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर दिया हवस ने। किस चीज की हवस? इक्तदार की, पावर की, टू ग्रैब लैंड ऑफ अदर्स। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौ इंसान को, मोहब्बत की जुबान हो जा खुवत का बयां। तो मैं अब आखिर में मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूं। जिन्होंने उठ के जाना है वो बेशक चले जाएं ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आखिर में अगर मुझसे कोई पूछे कि इकबाल के पूरे पैगाम को, फिक्र इकबाल को अगर आप कोई चंद शेरों में बयान कर सकें तो वो क्या है, उसका लुब लबाब क्या है, उसका जिस्ट क्या है, तो मैं कहूंगा कि इकबाल शायर उम्मीद थे। उस वक्त जब बिल्कुल लोग ना उम्मीद थे, उस वक्त भी इकबाल ने उम्मीद की शमा जलाए रखी। जब दूर दूर तक आज़ादी का कोई नामो निशान नहीं था, जब ये मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान को आज़ादी भी मिलेगी या नहीं, उस वक्त इकबाल ने मुसलमानों को उम्मीद दिलाई और रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। आज से 100-125 साल पहले इकबाल ने कहा कि आसमां होगा सहर के नूर से आई ना पोश, और जुल्मत रात की सीमाप्पा हो जाएगी, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इकबाल के कलाम ने नौजवानों में बिजलियां भर दीं, उन्हें नए जज्बों और वलवलों से सरशार किया, और वो कायदे आज़म की क़ियादत में निकले, और चंद ही सालों में दुनिया ने देखा कि एक नया मुल्क जो इकबाल का ख्वाब था, पाकिस्तान मर्द वजूद में आया, जहां का जरा जरा नगमा तौहीद से जगमगा उठा। इकबाल के दो शेरों में उसकी पूरी फिक्र का अहाता होता है। इकबाल ने कहा था, सरवरी जेबा फकत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुता ने आज़री। ये अल्लाह की ज़ात के बारे में कहा गया। और दूसरा इकबाल ने हुजूर के बारे में कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर। ये इकबाल का ये कदीम और जदीद फ़लसफ़ों
पर पूरी दस्तरस और कमांड रखने वाले डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम है कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते हैं। ये मुसलमानों के लिए ये पैगाम है। और आज भी हम जिन बीमारियों का शिकार हैं उसमें इलाज वही है फ़िक्र इकबाल। ये कितने दुख की बात है कि इतनी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया और आज भी हमारी नई नस्ल जो है वो या इतना इस बदतरीन एहसास कमतरी का शिकार है जो बड़ा ही तश्वीशनाक है। अगर किसी नौजवान से पूछें तो उसे अल्लामा इकबाल का एक शेर भी याद नहीं है, उसे कायदे आज़म की कोई चीज़ याद नहीं है। उसे अगर पता है तो इंडिया के एक्ट्रेसों और एक्टरों का पता है। अगर पूछें कि हीरो कौन है तो उनके नाम लेंगे। और भाई दे आर नॉट हीरोज, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स। आपके हीरो वो नहीं है, आपके वो हीरो हैं जिन्होंने आपको आज़ादी जैसे तोहफे से हमकिनार किया। आपके हीरो वो हैं जो आपकी जानें बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। आपके हीरो वो हैं जो इल्म के फरोग के लिए दिन रात कोशा हैं। बड़े आला उस्ताद आपके हीरो हैं, बाज़मीर और ईमानदार सिविल सर्वेंट आपके हीरो हैं, एक ब्यूटीफुल डॉक्टर आपका हीरो है। ये आपके हीरो हैं, एक्ट्रेसें और एक्टर हीरोज नहीं हैं, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स। और अगले दिन किसी ने बड़ा ठीक कहा कि नई नस्ल, पहले वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलाम थी, आज वो टेक्नोलॉजी के गुलाम है, आज वो मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। तो इकबाल इस देखें, कौमें इस तरह नहीं बनती दुनिया भर में। मैं आपको ज़रा एक बड़ी सीरियस नोट पे मैं ख़त्म करने लगा हूँ। मैं रिसेंटली तो तुर्की गया, आप यकीन जाने तुर्की के नौजवानों में जो खुद एतमादी देखी, मुझे इतना रश्क आया। और वहाँ हमारे बड़े सीनियर लोग थे साथ, उन्होंने कहा कि ये देखें इनके नौजवानों और हमारे नौजवानों में कितना फ़र्क है, इसलिए कि इनकी बड़ी आला रवायात हैं, इन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की है, इन्होंने आधे यूरोप पर हुकूमत की है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट तुर्क हुक्मरान था, उसका नाम लेकर माएँ बच्चे डराया करती थीं बरतानिया में, फ्रांस में, ये उनकी ट्रेडिशन हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो उनमें अभी तक वही गुलामी, कभी किसी की गुलामी, कभी किसी की नक्काली, कभी एहसास कमतरी। तो आज इकबाल के नाम पे मेरा अगर आपको मशवरा सुनना चाहते हैं या एडवाइस सुनना चाहते हैं तो यही है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें और एहसास कमतरी से निकलें, एहसास कमतरी से निकलें। यही दुआ इकबाल करते रहे कि जवानों को सोज जिक्र बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इकबाल का नूर बसीरत आम कर दें और हमारी नई नस्ल को भी इकबाल के नूर बसीरत से मुनव्वर कर दें। इंशाल्लाह इकबाल का ख्वाब, इकबाल एक देखें, इकबाल का ख्वाब और इकबाल का और कायद आज़म का तोहफा, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा होता बिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और हमारा देखें, हमारा सब जिलाली परचम इंशाल्लाह दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर लहराता रहेगा इंशाल्लाह। मगर उसके लिए वही इलाज, उसका वही है जो इकबाल ने तजवीज़ किया कि आपको दोबारा किताब और इल्म और तालीम के साथ अपना तल्लुक और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना होगी। 1, 2 आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा कि जी फलां फलां कौम का हम लिबास जो है वो उनका इख्तियार करें,
फलां की ज़ुबान इख्तियार करें, हरगिज़ नहीं। आप सबसे बेहतर हैं, आप किसी से इन्फीरियर नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग को इकबाल के नूर बसीरत से मुनव्वर कर दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर इफ्तिखार चीमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने बहुत ही मसरूफियात से टाइम निकाला उन्होंने और हमें आके वाकई झंझोड़ा है। और यूनिवर्सिटी के लिए एक इल्म और रिसर्च, काश हमें इकबाल की वो सारी चीज़ें उसी तरह याद हो जाएं जिस तरह डॉक्टर चीमा को याद हैं। मैं एक दफ़ा फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ जॉइन मी इन गिविंग अ अप्लॉज टू डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार चीमा।